जाते हुए नींद से जगा गई वो मुझे। ये ना करो यार, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने में, यकीन दिलाने में कि अब तुमसे मुलाकात। अच्छी लड़की नहीं हूँ। अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, कर रही हो अच्छा नहीं है। ना समझी मैं आके किसी के साथ गाड़ी में बैठ गई कि किसी का दिल रखने के लिए 2 मिनट उसके साथ नाच लिया तो क्या बुरा कर दिया मैंने? ये दलील नहीं, हठधर्मी है महेश। किसी अच्छी लड़की के पास किसी गैर मर्द की चापलूसी के सामने डट जाने और उसकी जिद और ऑफर के सामने इनकार करने की जरूरत होती है, और जिस लड़की में इनकार करने की जरूरत नहीं होती वो लड़की कहां होती है? पैसे नहीं लिए तुम्हें देखकर। उसने कुछ कहा था मुझसे, कहा कि जब बीवी हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उसे कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती। जा रहे हो तो सभी। चलो वो ना भी कहे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम हंस रहे हो? तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए तुम्हें तो आता है ना छोड़कर जाना। काश तुम फिर ये बात करो और सुनकर मेरी जान निकल जाए। देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए और तुम्हारे लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, 3 साल अपने पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूँ। दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत सब बिकते हैं, सब खरीदूं। उससे नहीं आप? नहीं, होश में हूं। तो क्या है कि कौन चाहेगा मोहब्बत की तबाही, लेकिन तुम जो चाहो तो खुदा इसको भी बर्बाद करे। अगर वो मेरी मोहब्बत थी तो आज किसी और की नहीं होती। इतना बर्बाद हुआ हूँ मैं कि अब किसी को मेरी जरूरत नहीं होती। इतना बर्बाद हुआ हूँ मैं कि अब किसी को मेरी जरूरत नहीं होती। शायद खुशियों से भी नफरत हो गई है मुझे, शायद खुशियों से भी नफरत हो गई है मुझे कि अब किसी और को खुश देखकर मुझे खुशी नहीं होती। मिलने आई हूँ, समझो तो देखने आई हूँ। बेवफाओं से जब कोई दूसरा बेवफा दिखने में कैसे लगते हैं? बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तेरी याद आएगी जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। आंसुओं की बारिश में।